नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डे 23rd of July 2020 के लिए। उससे पहले दोस्तों वीडियो को कर दो लाइक और शेयर, और इस चैनल को कर दो नीचे सब्सक्राइब फटाफट से, ठीक है दोस्तों। अगर चाहिए वीडियो की PDF तो क्या करना है, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया आपको। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो आप। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है वेंकैया नायडू, अनवील स्टैच्यू ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एट CAG ऑफिस। CAG क्या? आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपका, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो वेंकैया नायडू ने CAG कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। किसका? डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। याद रखना है कहाँ पर? CAG ऑफिस में। कहाँ पर? CAG ऑफिस में। इतनी बात आपको जरूर याद रखनी है, कहाँ पर? CAG ऑफिस में। अब आपका जो CAG क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन ईयर है इसका 1858। क्या है? 1858। अब ये स्टैब्लिश कहाँ से हुआ था? आपके आर्टिकल 148, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका आर्टिकल 148 स्टैब्लिश करता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। करेगा क्या? ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है, उन सबको ऑडिट करेगा। साथ ही साथ आपके स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करता है, दोज बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जिनको आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा जाता है उसको ऑडिट कर सकता है आपका CAG। कौन कर सकता है? CAG आपका ऑडिट कर सकता है उसको, ठीक है। कुछ ऐसी रही थी ये इमेज या फिर ये प्रतिमा मूर्ति जिसको इन्होंने अनावृत किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। एम्स दिल्ली, आपका जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली है, इसने स्टार्ट किया है नेशनल प्रोग्राम, और इसका नाम रखा है नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन COVID-19। क्या नाम है? नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन COVID-19, ये इसका नाम है। लॉन्च किसने किया? आपके एम्स दिल्ली ने। किसने? एम्स दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो एम्स दिल्ली ने COVID-19 पर राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स शुरू किया। अब ये शुरू किस लिए किया गया? एम्स एट फैसिलिटेटिंग इनसाइटफुल डिस्कशन ऑन कॉमन इशूज रिलेटेड टू COVID-19। आपके जितने भी डॉक्टर्स रहने वाले हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और क्या कह सकते हैं, ऑल ओवर दी इंडिया, उन सबको इकट्ठा एक साथ कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा, और वो क्या करेंगे, COVID-19 के ऊपर जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस रिसर्च हैं उन सबको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर करने से याद आया, सेशन को फटाफट से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो डॉक्टर्स फ्रॉम मेडिकल कॉलेजेस एंड सीनियर फिजिशियंस फ्रॉम हॉस्पिटल्स इन कंट्री एंड अब्रॉड विल पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन सेशन। तो डॉक्टर आपके मेडिकल कॉलेज के, सीनियर फिजिशियंस फ्रॉम हॉस्पिटल्स और कंट्री के और अब्रॉड दोनों के, आपके देश के और आपके देश के बाहर के, सब इसमें पार्ट लेने वाले हैं, याद रहेगा आपको। तो एम्स के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपके एम्स के डायरेक्टर, याद रहेगी बात। एम्स दिल्ली के, किसके? एम्स दिल्ली के डायरेक्टर है आपके डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिजोरम गवर्नमेंट विल सेटअप 5 स्पोर्ट्स स्कूल्स। कितने? 5 स्पोर्ट्स स्कूल बनाने वाला है मिजोरम। क्या? मिजोरम बनाने वाला आपके 5 स्पोर्ट्स स्कूल, याद रखना। कितने और कौन? तो मिजोरम बनाने वाला है 5 स्पोर्ट्स स्कूल। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक वर्स्ट केस में आपसे पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कौन मिजोरम बनाएगा, याद रहेगा। तो मिजोरम सरकार 5 स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करेगी। अब जहां जहां करेगी, जब जब करेगी, फाउंडेशन स्टोन रखेगी, तो वो हम आपको अपनी न्यूज में कवर करवा देंगे। तो मिजोरम के कुछ स्टैटिक फैक्ट देखो। CM कौन है? पीयू जोरम थांगा। कौन है? पीयू जोरम थांगा इसके CM है। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर है। कैपिटल है इसकी ऐजवाल। क्या है इसकी कैपिटल? ऐजवाल। ऐजवाल इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 11 लोकसभा की सीट है 1, और राज्यसभा की सीट भी कितनी है 1। तो याद रखना 110101 इसका DLR नंबर है। क्या? 110101 इसका DLR नंबर है। एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी DLR नंबर्स की, ठीक है, चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वो भी देख लेना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट विल कंडक्ट 0 सर्विलांस एवरी मंथ। अब इन्होंने एक 0 सर्विलांस तो अपनी कवर कर लिए, बट अब जो आपके दिल्ली के क्या आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि दिल्ली में हर महीने क्या होगी, 0 सर्विलेंस होगी। क्या होगी? 0 सर्विलेंस की जाएगी। तो दिल्ली सरकार हर महीने 0 निगरानी करेगी। क्या करेगी? 0 निगरानी करेगी। अब कब से कब तक? फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है,
टिल 5th of every month, आपकी 1st of every month से आपकी 5th of every month तक ये सीरो सर्विलांस की जाएगी। याद रहेगा फर्स्ट सीरो सर्विलांस इन दिल्ली कब हुई थी, 27th of June टू 10th of July, 27 जून से शुरू हुई थी और 10 जुलाई को खत्म हुई थी आपकी फर्स्ट सीरो सर्विलांस। अब किस लिए की जाती है, टू अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज टू कोरोना इन्फेक्शन। अब देखेंगे कि 100% में से आपके कितने लोग कोरोना से ग्रसित हुए, ठीक है। अब कितने निकले थे, 28%, कितने निकले थे, 28% निकले थे आपकी फर्स्ट सीरो सर्विलेंस में, याद रहेगा। अब न्यू दिल्ली के सीएम देख लो कौन है, अरविंद केजरीवाल आपके सीएम है न्यू दिल्ली के। गवर्नर है इसके अनिल बैजल। अब यहाँ पे क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, एलटी लिख लेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है। तो अनिल बैजल साहब कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, याद रहेगा। तो दिल्ली सरकार हर साल क्या करेगी, सीरो सर्विलेंस कराएगी, कब से कब तक, फर्स्ट टू 5th of every month, याद रखना। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, पीएम मोदी विल ले फाउंडेशन स्टोन फॉर, अब याद ध्यान से देखो इसको, फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। कौन से मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कौन सा स्टेट है, मणिपुर स्टेट है, याद रखना मणिपुर। पूरा पूरी की पूरी न्यूज़ ऐसे ही चिपकाएगा, डैश डाल देगा इसकी जगह, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो पीएम मोदी किस स्टेट के किस स्टेट के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं, तो आपके मणिपुर के, ठीक है। तो पीएम मोदी विल ले फाउंडेशन स्टोन फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऑन 23rd of July, आपके आज ही के दिन ये काम होने वाला है, ठीक है। तो पीएम मोदी 23 जुलाई को मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास करेंगे, क्या करेंगे, शिलान्यास करेंगे। अब मणिपुर के पहले देखते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। कौन है, एन बीरेन सिंह इसके सीएम है। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। कौन है, नजमा हेपतुल्ला इसकी गवर्नर है। कैपिटल है इम्फाल। कैपिटल क्या है, इम्फाल। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 16। डिस्ट्रिक्ट कितने इसमें 16। लोकसभा की सीट है दो, कितनी दो सीट्स हैं। राज्यसभा की सीट है एक, कितनी एक सीट है। तो डीएलआर नंबर हो गया 16-0201, ठीक है, याद रहेगा 16-0201, याद रखना इसको, ठीक है। अब देखो ये आपका जल जीवन मिशन है, तो इसके तहत क्या हुआ है, 2024 तक की क्या रखी गई है, लिमिट रखी गई है या टारगेट रखा गया, कब तक, 2024 तक हर घर में क्या होगा आपका, पाइप्ड वाटर सप्लाई होगी। क्या होगी, पाइप्ड वाटर सप्लाई या टैप वाटर सप्लाई होगी आपके हर घर में 2024 तक, अंडर जल जीवन मिशन। कब, अंडर जल जीवन मिशन, कौन से मिशन के अंदर, जल जीवन मिशन, कब तक, 2024 तक, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है क्या, वेब पोर्टल। क्या लॉन्च कर दिया, वेब पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, ठीक है, जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं उनके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, किसने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, किसने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये ऐसा सेक्टर है जिनको सिर्फ क्या, एक छोटा सा लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है, बाकी उनका कोई ऑडिट वगैरह कुछ नहीं होता, कोई भी फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए नहीं की जाती। किसके लिए, आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब देखो जो शॉपकीपर्स हैं वो भी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, आपके रेडी पटरी वाले हैं वो भी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनके साथ क्या, जो इनकम टैक्स नहीं भरते, ठीक है, आपके आईटी नहीं भरते, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं आती उनकी, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो गवर्नमेंट उनके साथ नहीं करती, वो क्या आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, जिनके बारे में गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं होता प्रॉपरली, ठीक। तो तमिलनाडु सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया, क्या क्या वेब पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। अब देखेंगे इसमें और है क्या, उससे पहले देखो अपने तमिलनाडु के स्टैटिक फैक्ट। सीएम है इसके ईके पलानी स्वामी। कौन है, ईके पलानी स्वामी इसके सीएम है। गवर्नर है इसके बनवारीलाल पुरोहित। कौन है, बनवारीलाल पुरोहित इसके गवर्नर है। कैपिटल है इसकी चेन्नई। क्या है इसकी कैपिटल है, चेन्नई। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 38, कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीट है इसमें 39, कितनी है, 39। राज्यसभा की सीट है 38, 39, 18, ठीक है, 38, 39, 18 इसका डीएलआर नंबर है, किसका, तमिलनाडु का, 38, 39, 18, क्या, 38, 39, 18, याद रखोगे। चलो ये कौन है, ये आपके सीएम ऑफ तमिलनाडु, इनका नाम क्या है, ईके पलानी स्वामी। क्या नाम है दोस्तों इनका, ईके पलानी स्वामी। चलो तो देखते हैं आगे क्या है इसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स कैन नाउ ज्वाइन द स्टेट रन वेलफेयर बोर्ड्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब ये क्या ज्वाइन कर सकते हैं, आपका स्टेट रन वेलफेयर बोर्ड, जो आपके सरकार ने, किसने, आपकी राज्य सरकार ने इनके वेलफेयर स्कीम्स चला रखी हैं, उनको ये ज्वाइन कर सकते हैं अब थ्रू अ डेडिकेटेड वेब पोर्टल। अब उस वेब पोर्टल के थ्रू ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र में के श्रमिक अब एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं, याद रहेगा आपको। तमिलनाडु गवर्नमेंट इज रनिंग 17 डिफरेंट वेलफेयर बोर्ड्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। द बोर्ड्स आर ऑफरिंग एजुकेशनल स्कॉलरशिप, मैरिज असिस्टेंस एंड स्किल ट्रेनिंग टू दी वार्ड्स ऑफ द मेंबर, हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंश्योरेंस।
तो ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड कराई जा रही है आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट। कितने 17 ऐसे वेलफेयर बोर्ड ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, कितने 17 ऐसे वेलफेयर बोर्ड चला रही है अभी भी। तो तमिलनाडु सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 17 विभिन्न कल्याण बोर्ड चला रही है। बोर्ड सदस्यों के वार्डों को शैक्षिक छात्रवृत्ति विवाह सहायता और कौशल प्रशिक्षण स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा प्रदान कर रहे हैं, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार बीजेपी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सुनील कुमार सिंह पासेस अवे। अब इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। क्या हो चुका है, निधन किसका, बिहार के बीजेपी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका नाम था सुनील कुमार। क्या नाम था, सुनील कुमार सिंह, याद रखोगे। तो बिहार बीजेपी के विधानसभा परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह का निधन हो चुका है। तो ये कौन थे, ये आपके फागू चौहान, ये नहीं है सुनील कुमार सिंह, कभी सोचो ये सुनील कुमार सिंह है, ठीक है। तो क्या है ये आपके सुनील कुमार सिंह है जो इनका निधन हो चुका है, याद रहेगा। हंसना तो नहीं चाहिए बट हंसी वाली बात आ गई। तो बिहार भाजपा के विधानसभा परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह का निधन हो चुका है, याद रहेगी आपको इतनी बात। अब बिहार के कुछ स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। सीएम कौन है इसके, नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश कुमार इसके सीएम है। गवर्नर है फागू चौहान जी। कौन है, फागू चौहान, जो कि ये है, ये फागू चौहान है, ठीक है। ये कौन है, गवर्नर है किसके, बिहार के कैपिटल इसकी पटना। क्या है इसकी कैपिटल, पटना है। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 38, लोकसभा की सीट है 40 और राज्यसभा की सीट है 16, कितनी 16। तो इसका DLR नंबर क्या होगा, 384016, क्या हो गया, 384016 इसका DLR नंबर हो गया, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिजीनियसली डिजाइन 700 मेगावाट, क्या, ककरापार एटॉमिक पावर प्लांट का थर्ड संयंत्र, उसका जो थर्ड पार्ट है इन गुजरात अचीव्ड क्रिटिकैलिटी। अब ये क्रिटिकैलिटी क्या होती है उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, साइंस नहीं भी पढ़ रखी है तो भी पता होना चाहिए, पढ़ रखी है तो रिविज़न हो जाएगा, क्योंकि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम ही क्रैक करना है, आपको फिर भी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ककरापार एटॉमिक पावर प्लांट का प्लांट नंबर 3, कौन सा प्लांट नंबर 3, ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। तो आपका ककरापार एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, याद रहेगा। तो स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए 1700 मेगावाट ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 ने गुजरात में काम करना शुरू किया, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपाणी जी। कौन है, विजय रूपाणी जी आपके सीएम है किसके लिए, गुजरात के लिए। गवर्नर है इसके आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर है। कैपिटल है इसकी गांधीनगर। क्या है इसकी कैपिटल, गांधीनगर। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 33, कितने 33 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा इसमें 26, लोकसभा की सीट कितनी है 26 और राज्यसभा की आपकी 11। तो इसका DLR नंबर बनता है 3326111, 3326 और 11, क्या 3326111 आपका गुजरात का DLR नंबर है। और कुछ ऐसा दिखता है आपका ककरापार एटॉमिक पावर प्लांट। अब देखो इसमें और क्या था, तो क्रिटिकैलिटी होती क्या है, इट इज़ द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, किसी भी एक परमाणु संयंत्र की, इन विच न्यूक्लियर फ्यूल सस्टेन्स अ फिजन चेन रिएक्शन, ठीक है। अब ये फिजन चेन रिएक्शन होती क्या है, अब आपका जो एटम है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है किसको, आपके रिएक्टर को, वो क्या करता है उस एटम को ब्रेक कर देता है न्यूट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। जब वो न्यूट्रॉन्स के अंदर उसको ब्रेक करता है तो फिजन चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, वो फर्दर स्प्लिट करते चले जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती जाती है, याद रखोगे। तो क्रिटिकैलिटी, यह एक परमाणु रिएक्टर की सामान्य परिचालन स्थिति है जिसमें परमाणु ईंधन एक विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु का विभाजन को बनाए रखता है, ठीक है, याद रहेगा। अ रिएक्टर अचीव्स क्रिटिकैलिटी व्हेन ईच फिजन रिलीजेज अ सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू सस्टेन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये क्रिटिकैलिटी अचीव कब होती है, जब आपकी जो एक फिजन रिएक्शन है वो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको प्रोवाइड करवा दे, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट हो सके। क्या कभी कभी क्या होता है, ये सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको नहीं मिल पाते, जिससे कि ये फिजन रिएक्शन कैरी आउट नहीं हो पाएगी, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलो इसको हिंदी में पढ़ लो, एक रिएक्टर महत्वपूर्णता पर्याप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन परमाणु प्रक्रियाओं की निरंतर श्रृंखला को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन जारी करता है, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कौन सी कॉन्फ्रेंस है आपकी, इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, कब, जुलाई 2020 में हुई, कब होगी, जुलाई 2020 में होगी, याद रहेगा, यानी कि ये हुई थी आपकी 22 जुलाई 2020 को। तो भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कब हुआ, 22 जुलाई 2020 को, याद रखना 22 जुलाई 2020 को। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कब हुई है, 22 जुलाई 2020 को, ठीक है। कहाँ पर, एट एयर हेडक्वार्टर्स, आपके जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है वहाँ पर इसको इसको क्या किया गया, कंडक्ट कराया गया। अब आपके पार्ट किसने लिया था, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जिनका नाम क्या, आर के एस भदौरिया। क्या नाम इनका, आर के एस
भदौरिया है, और ये कौन है आपके श्रीमान आर के एस भदौरिया है, ठीक है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है आपके जनरल बिपिन रावत, कौन है जनरल बिपिन रावत आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। आपको याद क्या रखना है, इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 22 जुलाई 2020 को कहाँ पर हुई थी, एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। होम मिनिस्टर विल लॉन्च वृक्षारोपण अभियान, क्या लॉन्च करने वाले हैं, वृक्षारोपण अभियान लॉन्च करने वाले हैं, कौन आपके होम मिनिस्टर, ठीक है। विच विल बी ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कौन ऑर्गेनाइज करेगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ऑर्गेनाइज करेगा, और इसको इनॉग्रेट किसने किया आपके होम मिनिस्टर ने, किसने होम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, किसको वृक्षारोपण अभियान को, किसको वृक्षारोपण अभियान को इनॉग्रेट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इसके मिनिस्टर हैं आपके श्री प्रहलाद सिंह जोशी, प्रहलाद जोशी, कौन है श्री प्रहलाद जोशी, कौन आपके मिनिस्ट्री ऑफ कोल के मिनिस्टर है ये आपके प्रहलाद जोशी। और क्या होल्ड करते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है और मिनिस्टर ऑफ माइंस है, क्या है मिनिस्टर ऑफ माइंस है, कौन आपके प्रहलाद जोशी जी, कौन आपके प्रहलाद जोशी जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी धारवाड़ कर्नाटका, क्या है धारवाड़ कर्नाटका इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, याद रहेगा आपको। अब ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है आपके मोटा भाई अमित शाह, कौन है आपके मोटा भाई अमित शाह। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी, गांधीनगर गुजरात, क्या है गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं अपनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द इंडिया आइडिया समिट ऑन 22 जुलाई, आपके 22 जुलाई को आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रल स्पीच दी है, कहाँ पर, इंडिया आइडिया समिट, कहाँ पर, इंडिया आइडिया समिट, याद रहेगा आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया, किसको आपके इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया, इसको होस्ट किसने किया आपका यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने, किसने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने। थीम रही है इसकी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, क्या बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर इसकी थीम रही है, याद रहेगा दोस्तों, क्या रही है इसकी थीम, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओला रोल्ड आउट एंटरप्राइज सॉल्यूशन, क्या इन्होंने एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन दिया है, ओला कॉरपोरेट, जिसका नाम क्या लिखा है ओला कॉरपोरेट, ठीक है, याद रहेगा आपको। टू ग्लोबल कस्टमर्स, किसको अपने पूरे विश्व में जितने भी इनके कस्टमर्स हैं सबको प्रोवाइड करवा दिया है, क्या ओला कॉरपोरेट। तो ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए उद्यम समाधान ओला कॉरपोरेट शुरू किया, क्या शुरू किया ओला कॉरपोरेट। अब ये ओला के सीईओ कौन है, ये हैं भविष्य अग्रवाल, कौन है भविष्य अग्रवाल, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में, कहाँ पर है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है बस, क्या ओला कॉरपोरेट किसने लॉन्च किया आपके ओला कैब सर्विसेज ने, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अर्नब चौधरी विल रिसीव क्या टून्स मीडिया अवार्ड, अब इसमें पोस्टहुमसली जोड़ लेना है क्योंकि इनकी क्या डेथ हो चुकी है, क्या हो चुकी है डेथ हो चुकी है, तो अर्नब चौधरी को क्या मिलने वाला है टून्स मीडिया अवार्ड, क्या मिलने वाला है टून्स मीडिया अवार्ड। तो ये देता कौन है, तो ये देता है आपका टून्स मीडिया ग्रुप, कौन देता है टून्स मीडिया ग्रुप। अब ये कब दिया जाता है, एनिमेशन मास्टर समिट में दिया जाता है, ठीक है, कब कहाँ पर एनिमेशन मास्टर्स समिट, और इस साल क्या रहा था इसका डिजिटल एडिशन रहा था, क्या रहा था इसका डिजिटल एडिशन रहा था, ठीक है। अब इनका देहांत हुआ था आपका 25 दिसंबर 2019 में, कब हुआ था 25 दिसंबर 2019 में, और ये पायनियर थे आपके किसमें, किसमें एनिमेशन के अंदर, ठीक है, इंडिया में एनिमेशन के अंदर पायनियर थे आपके कौन, अर्नब चौधरी, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो स्पेस एक्स है लॉन्च साउथ कोरियाज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट अनासीस सेकंड, क्या नाम है इसका अनासीस सेकंड, क्या नाम है अनासीस सेकंड, और है किसकी साउथ कोरिया की, किसकी है साउथ कोरिया की, लॉन्च किसने की है स्पेस एक्स ने, किसने स्पेस एक्स ने लॉन्च की आपकी, तो स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह अनासीस सेकंड लॉन्च किया, याद रहेगा आपको। क्या नाम है इसका अनासीस सेकंड, किसकी है साउथ कोरिया की, लॉन्च किसने की है स्पेस एक्स ने लॉन्च की है। चलो स्टैटिक फैक्ट देखते हैं आपके साउथ कोरिया की, कैपिटल है इसकी सियोल, कैपिटल क्या है इसकी सियोल, करेंसी है इसकी वॉन, करेंसी क्या है वॉन, एक लाइन में याद रखना साउथ कोरिया सियोल वॉन। प्रेजिडेंट है इसके मून जे इन, कौन है मून जे इन इसके प्रेजिडेंट है। अब ये जो स्पेस एक्स है आपका इसके सीईओ कौन है इलॉन मस्क, कौन है इलॉन मस्क इसके सीईओ है, हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूएसए में, कहाँ पर कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, याद रहेगा आपको। अभी देखो ऐसा था इसका कुछ लॉन्च, किसका आपके अनासीस टू का, तो लॉन्च फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट किसने साउथ कोरिया ने किया, याद रहेगा आपको। चलो रमेश बोडू, अब ये क्या नाम है इनका रमेश बोडू, इनको अपॉइंट कर लिया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक, किसका करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, किसको रमेश बोडू को, किसको रमेश बोडू को, तो रमेश बोडू को करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, किसके आपके रमेश बोडू को। अब देखो स्टैटिक फैक्ट आपके करूर वैश्य बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है करूर तमिलनाडु, कहाँ पर करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन ईयर है इसका 1916, क्या है इसका फाउंडेशन ईयर
16 टैगलाइन रहने वाली है स्मार्ट वे टू बैंक। क्या स्मार्ट वे टू बैंक आपकी टैगलाइन है किसकी? करूर वैश्या बैंक की। और ये कौन है? ये है रमेश बॉडू। क्या नाम है इनका? रमेश बॉडू नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी इज नाउ वर्ल्ड्स फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन। अब आपके जो मुकेश अंबानी है बन गए हैं वर्ल्ड के फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन। कौन से नंबर के? फिफ्थ। तो याद रखना, पूछ लेगा आपसे फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन तो डैश डाल के पूछेगा। अब मुकेश अंबानी इज नाउ वर्ल्ड्स डैश रिचेस्ट पर्सन, तो आपको पता होना चाहिए कौन से? फिफ्थ नंबर के, पांचवें नंबर के। तो मुकेश अंबानी दुनिया के पांचवे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड के क्या है? सीईओ है कौन आपके? मुकेश अंबानी, जिसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, याद रहेगा आपको। और ये कौन है? ये है मुकेश अंबानी, जो कि बहुत खुश है अब फिफ्थ रिचेस्ट मैन बन के। होप करते हैं फर्स्ट रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो पे फीचर फॉर ऑल UPI एनेबल्ड एप्स। अब आपकी जितनी भी UPI एनेबल्ड एप्स हैं उनके लिए ऑटो पे फीचर लाया गया है, ठीक है। ऑटो क्रेडिट डेबिट हो जाएगी आपकी अमाउंट, ठीक है। जैसे ही आपने कोई अमाउंट अपनी क्या कर रखी है, अपनी अलाउ कर रखी है अपने UPI ID से, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से। तो सभी UPI सक्षम ऐप्स के लिए ऑटो पे सुविधा। कौन सी सुविधा? ऑटो पे सुविधा, याद रहेगी कौन सी? ऑटो पे सुविधा। अब आपका जो पिन है विल बी नीडेड ओनली फॉर ट्रांजेक्शन अबव 2000 रुपीज। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन है जो कि 2000 रुपये से कम है, किससे? 2000 रुपये से कम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको उसके लिए पिन देना नहीं पड़ेगा UPI एनेबल्ड ऐप्स के अंदर। तो यूजर्स हैव टू ऑथेंटिकेट देयर अकाउंट थ्रू UPI पिन ओनली वंस वाइल सेटिंग अप द मैंडेट। जब आप मैंडेट सेटअप करोगे कितने अमाउंट कट करने हैं कितने नहीं, तो एक टाइम पे ही आपको OTP यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद OTP का उसका पिन का यूज़ नहीं होगा, आपके UPI पिन का यूज़ नहीं होगा। अब आपके UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आपके UPI की फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टर सोनू सूद लॉन्च प्रवासी रोजगार ऐप। कौन सी ऐप? प्रवासी रोजगार ऐप लेके आए हैं कौन आपके? एक्टर सोनू सूद। क्या नाम है इनका? सोनू सूद। अब लॉन्च हेल्प माइग्रेंट्स फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब ये क्या करेगा? आपके जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासियों की नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। कौन सा? प्रवासी रोजगार। तो याद रखना किसने लॉन्च किया? आपके एक्टर सोनू सूद ने लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिएटर ऑफ 1980 ओलंपिक मैस्कॉट। तो जो आपका ओलंपिक रहा था 1980 में, इन्होंने क्या किया था? उसका मैस्कॉट लॉन्च किया था। नाम क्या था? विक्टर शिकीकोव। क्या? विक्टर शिकी क्या है? चीजीकोव। क्या है? विक्टर चीजीकोव। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है, पासेस अवे। तो 1980 के ओलंपिक मैस्कॉट के निर्माता विक्टर चीजीकोव का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और इनका मैस्कॉट था जो इन्होंने क्या किया था? डिजाइन किया था आपके किसके लिए? ओलंपिक 1980 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे होता है आपका सेशन खत्म। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आपने क्या करना है? वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको फ्री PDF चाहिए किसकी? इस वीडियो की, और आपकी फ्री MCQ वर्कबुक, तो आपने करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने प्रोवाइड करवा दिया है। फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लो फटाफट से, ठीक है दोस्तों। तो टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।